सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैमरा लैग करने वाली मूवमेंट को कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से टिप्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका कैमरा एंगल भी इसी तरीके से मूव करेगा। तो गाइज, कैमरा लैग करवाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने बिना रुके खेलना है, आपने एक सेकेंड के लिए भी रुकना नहीं है, और उसी के साथ आपने अपनी स्क्रीन को जिगजैग करते रहना है। तो इतना हर किसी को पता होगा कि हमने बिना रुके खेलना है और अपनी स्क्रीन को जिगजैग करना है, बट इसके बाद भी काफी सारे प्लेयर्स की जिगजैग मूव अच्छे से नहीं होती है और उनका कैमरा एंगल देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आपका कैमरा एंगल लैग करता हुआ तभी दिखाई देगा जब आप अच्छे से जिगजैग मूवमेंट करोगे। जिगजैग मूवमेंट करने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका जिगजैग अच्छे से नहीं होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर प्लेयर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जिगजैग बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं, मतलब कि इस तरीके से करते हैं वो जिगजैग थोड़ा सा, इससे उनका कैमरा एंगल अच्छे से लैग नहीं होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप जब भी जिगजैग करो तो अपनी स्क्रीन को पूरा यहाँ तक जितना कर सकते हो आपने उतना जिगजैग करना है, और आपने अपनी स्क्रीन को राइट साइड से पकड़ के ही हमेशा जिगजैग करना शुरू करना है। कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं कि वो जब फास्ट फास्ट खेलते हैं तो वो अपनी स्क्रीन को लेफ्ट साइड से पकड़ लेते हैं, उसे होता क्या है कि उनका लेफ्ट साइड जॉयस्टिक के ऊपर टच हो जाता है और वो उनका करेक्टर रुक जाता है। एम के दूसरी साइड हमारा दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है और इसमें अगर हम टच करते हैं तो हमारा जॉयस्टिक के ऊपर टच होता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने हमेशा राइट साइड से ही अपनी स्क्रीन को पकड़ना है और पूरा लेफ्ट साइड तक आपने जिगजैग करना है। और इसी के साथ जब भी आप जिगजैग मूवमेंट करो तो आपने स्मूथली जिगजैग करना है, ऐसे नहीं करना है। कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं कि वो जल्दी 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 ऐसे पोचा मारते हैं, वैसे नहीं करना है। आपने स्मूथली अपनी स्क्रीन को लेफ्ट साइड को लेके जाना है, उसके बाद राइट साइड को लेके आना है। और एक और चीज की, जब आप जिगजैग मूवमेंट करोगे तब आपने जंप को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप जितना कम जंप करोगे आपकी जिगजैग मूवमेंट देखने में उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी और आपका कैमरा एंगल ज्यादा से ज्यादा लैग करेगा। और अपने राउंड मूवमेंट करने के लिए क्या करें, जैसे कि आप यहाँ पे देखना अभी मेरा करेक्टर पूरा गोल 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 घूम रहा है, तो आपने इस मूवमेंट को करने के लिए क्या करना, आपको जिगजैग ही पड़ेगा और आपने स्मूथ वे में ही जिगजैग मूवमेंट करनी है। इसके साथ आपने सिर्फ दो चीजों को ऐड कर देना है, एक तो आपने थोड़ा सा फास्टली जिगजैग करना है और दूसरा आपने एक ही जगह पे दो तीन बार, ज्यादा बार, दो तीन से भी ज्यादा बार अपनी स्क्रीन को एक साथ जिगजैग कर देना। इससे होगा क्या कि आपके करेक्टर को राउंड मूवमेंट मिल जाएगी। ज्यादातर प्लेयर सिर्फ एक ही मिस्टेक करते हैं जिनसे कि उनका कैमरा एंगल अच्छे से लैग नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो अपनी स्क्रीन को यहाँ से पकड़ के सिर्फ यहाँ तक ही जिगजैग करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने जितना कर सकते हो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपने करने का ट्राई करना है, तभी आपका कैमरा एंगल अच्छे से लैग होगा। और अगर आपके फोन का स्क्रीन साइज छोटा होगा तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर छोटा साइज होगा तो आप जल्दी से दूर तक जिगजैग कर पाओ। और आपके फोन की सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी आपका मूवमेंट देखने में उतना ज्यादा अच्छा लगेगा और आपका कैमरा एंगल भी उतना ज्यादा लैग करेगा। और कुछ प्लेयर्स को ऐसा भी लगता है कि वो थर्ड आई का यूज करके अपने कैमरा एंगल को लैग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूज करके देख लेना, आपको रिप्ले में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले आप इसे लॉन वॉल्फ में ट्राई करना और अपने रिप्ले वाले ऑप्शन को आप यहां से ऑन कर लेना, उसके बाद रिप्ले को सेव कर लेना और सेव करने के बाद इसे एक बार देखना, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा कि आपका जिगजैग मूवमेंट अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हैंड कैम नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं और वीडियोस भी बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कस्टम्स में लैग मूवमेंट कैसे कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको हैंड कैम भी दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी के बारे में बता दिया, और आप लोन वॉल्फ में प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसके बाद मैं आपको कस्टम का गेम प्ले दिखाने वाला हूं और कस्टम में बताऊंगा कि आप लैग मूवमेंट कैसे कर सकते। और गाइस, कैमरा लैग मूवमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई आउट है या फिर कुछ भी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे जरूर से कवर करूं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।